हाय, वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। उसके हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको इस टॉपिक के रिलेटेड फीचर्स पढ़ाया था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के इंट्रोडक्शन के साथ, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसमें क्या होता है कि इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हर कोई पता रहता है कि हिंदू फैमिली रहती है वो क्या करती है, बिजनेस रन करती है। अब हिंदू फैमिली अगर बिजनेस रन कर रही है तो यहाँ क्या होता है, ये वाला बिजनेस सिर्फ इंडिया में रन होता है जैसा कि मैंने बताया था। अगर आपको थोड़ा सा भी और डाउट या डिटेल लेना है, मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन, तो आप पीछे वीडियो में जाकर चेक कर सकते हो कि हाँ ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता क्या है, इसके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो हम पढ़ेंगे कि हाँ अगर ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मैं कर रही हूँ या मेरी फैमिली वाले हम सब मिलकर कर रहे हैं तो हमें क्या एडवांटेज, क्या फ़ायदे मिलेंगे वो बिज़नेस करते टाइम पे, और हमें क्या उसकी लिमिटेशन, क्या कमियाँ हमें फेस करनी पड़ेगी। एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसको मेरिट्स डीमेरिट्स, डिसएडवांटेज को लिमिटेशन सब बोलते हैं। तो अब हम सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में सबसे पहला टॉपिक है एडवांटेज में इजी टू स्टार्ट। इजी टू स्टार्ट से क्या समझ में आता है कि ये जो बिजनेस है वो क्या रहता है, एकदम इजी वे में स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी हिंदू फैमिली मिलकर क्या कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। और यहाँ गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं है कि मिनिमम कितने रहेंगे, मैक्सिमम कितने रहेंगे, क्योंकि यहाँ उसकी कोई लिमिट नहीं है। जितने लोग भी क्या बोलते हैं हम कि बर्थ होता जाएगा या डेथ होता जाएगा, वैसे मेंबर्स चेंज होते जाएंगे, बट यहाँ कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन से क्या समझ में आता है, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था, क्विक मतलब जल्दी। फीचर्स के ही पॉइंट को देखो क्या होता है, जो फीचर्स रहते हैं, जब हम फीचर्स पढ़ते हैं ना तो फीचर्स में कभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं बोला रहता है। फीचर्स मतलब वो बताया रहता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है क्या एक्चुअल, उसको क्या क्या हमें कैसे, मतलब क्या क्या मिलेगा जब हम वो बिजनेस करेंगे। तो उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज को दो पार्ट में डिवाइड करके नहीं दिखाया रहता है, बट उन्हीं फीचर्स में से क्या होता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज निकलता है। मतलब कि जैसा हम फीचर्स में करते हैं उसमें बताया रहता है, ईजी फॉर्मेशन, सेक्रेसी, देन उसके बाद नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो वहाँ ये सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। लेकिन उन टॉपिक को एडवांटेज और डिसएडवांटेज में डिवाइड करके बताया रहता है कि हाँ ईजी फॉर्मेशन ये एडवांटेज हो गया, सेक्रेसी है वो एडवांटेज हो गया, और नंबर्स ऑफ मेंबर्स जितने ज़्यादा है वो एक तरीके से डिसएडवांटेज हो। तो वो हम लोग किस में करते हैं, जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज में जब डिवाइड करते तब करते। ओके, तो अब हम क्या देख रहे हैं, तो अभी हम देख रहे हैं कि हाँ गुड रिलेटेड डिसीजन, क्विक डिसीजन से क्या समझ में आ रहा है, क्विक डिसीजन से समझ में आ रहा है कि जो भी डिसीजन हम लेंगे, मतलब यहाँ डिसीजन कौन लेता है, कर्ता लेता है। वेरी गुड, अगर आपने पीछे लेक्चर देखा होगा तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि डिसीजन लेने का राइट्स किसके पास होता है, कर्ता के पास होता है। तो अब समझो जब कर्ता ने डिसीजन लिया तो उसने क्या, उसको तो अकेले को डिसीजन लेना है, यहाँ कोई भी उसका सपोर्ट नहीं करेगा, कोई उसको किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी से मीटिंग करके वो डिसीज़न नहीं लेता है, वो खुद से डिसीज़न ले लेता है और उसको जैसे बिजनेस चलाना है वो डिसाइड करता है। तो यहाँ जो डिसीज़न रहता है वो क्या रहता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है गुड रिलेशन विथ एम्प्लॉयज। गुड रिलेशन विथ एम्प्लॉयज से क्या समझ में आता है, देखो यहाँ सिर्फ गुड रिलेशन विथ एम्प्लॉयज है, हम लोग यहाँ ये भी लिख सकते हैं गुड रिलेशन विथ एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स, या तो अगर हमें पॉइंट्स बढ़ाने हैं, जैसे एग्ज़ाम में हमें लिखना रहता है तो हम सोचते हैं और ज़्यादा पॉइंट्स रहेंगे तो मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस हैं, तो हम लोग एक और पॉइंट बढ़ा सकते हैं नीचे गुड रिलेशन विद कस्टमर्स। इस तरीके से पॉइंट्स हम खुद से बना सकते हैं। अगर हमें किसी बिजनेस के बारे में पता है कि वो पॉइंट है क्या, तो हम उसके फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज अगर एक बार सिर्फ पढ़ लेते हैं या उसके बारे में हमें नॉलेज हो जाती है ना, तो हमें वो रट्टा करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम उसे खुद से अपने दिमाग से समझ के कि है क्या, उस तरीके से हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज खुद से फ्रेम कर सकते हैं। जो राइटर रहते हैं बुक के, जैसे मनन प्रकाशन है, जो डाइजेस्ट लिखता है या जो भी है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग खुद से पॉइंट्स बनाते हैं, ये लोग हाँ माना, ये लोग बहुत ज़्यादा
इंटेलिजेंट लोग होते कि हाँ वो लोग खुद से उन्होंने बुक बनाया और हम पढ़ रहे हैं, तो उसी तरीके से हम भी मतलब पॉइंट्स बना सकते। आप खुद से सोचो, अगर आपको पता हो कि जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस है क्या, तो आप खुद से थोड़ा सोच सकते हो कि हाँ इसमें मेंबरशिप एक अलग पॉइंट आ जाएगा, सेक्रेसी आ जाएगा, पार्टनर्स आ जाएगा, लाइबिलिटी आ जाएगा, देन उसके बाद मैनेजरियल स्किल आ जाएगा, बिजनेस में एक्सपर्टाइजेशन आ जाएगा। मतलब आपको जैसा पॉइंट बनाना है आप बना सकते हो यहाँ, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ये फिक्स नहीं है। मतलब ऑफकोर्स ये पॉइंट सही है, बट अगर आपको चाहिए, आप कोई दूसरे बुक से पढ़ते हो तो वहाँ पॉइंट्स अलग रहेगी, फिर किसी और बुक से पढ़ोगे तो उसमें भी एक दो अलग पॉइंट मिलेगी। तो ये क्या होता है कि आप खुद से भी उसको चेंजेस कर सकते हो, आपको रट्टा करने की ज़रूरत नहीं है कभी भी। ना पढ़ने को ना रट्टा करने के हिसाब से नहीं पढ़ने का, उसको समझने के हिसाब से आप पढ़ोगे, उसका कंसेप्ट क्लियर करोगे। तो ये जो चैनल में मैं वही बताती हूँ कि पहले कंसेप्ट क्लियर करो, समझो कि वो है क्या। अगर आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो बस आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और सेकेंड चीज, आपको ये जो पॉइंट है वो ज़िंदगी भर के लिए आपके दिमाग में रहेगा, वो समझ में आ जाएगा वो है क्या। क्योंकि जब मैंने पढ़ा था मेरे टाइम पे, तब से लेकर अभी तक मुझे वो पॉइंट्स अभी तक याद है अच्छे से एकदम। और अगर कोई मेरे को बोलता है तो मैं उसको अभी भी बोलूँगी, मैं एग्ज़ाम देकर आती हूँ ना, एक दिन भी पढ़ूंगी नहीं और मैं 80% से ज़्यादा स्कोर करूँगी। तो उसी तरीके से चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आ गया नेक्स्ट टॉपिक, आ गया गुड रिलेशन विथ एम्प्लॉयज़। मतलब यहाँ क्या हो गया, फैमिली मेम्बर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अपना जो रिलेशन है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत अच्छा बनाकर। फ्लेक्सिबिलिटी से क्या समझ में आ रहा है, ये बिज़नेस कौन चला रहा है, करता। तो करता अगर ये बिज़नेस चला रहा है तो यहाँ बिज़नेस क्या रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, चेंज होता रहेगा, चेंज हो सकता है। कि मतलब बिज़नेस को हम जब चाहे तब वो करता क्या कर सकता है, एक्सपांड कर सकता है, छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है, जो चेंजेस करना है वो कर सकता है, किसी का रोक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है को पार्टनर्स लाइबिलिटी, सॉरी ये लाइबिलिटी है फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ओके, तो को पार्टनर्स लाइबिलिटी, को पार्टनर्स कौन होते हैं, मेंबर्स, कर्ता को छोड़ के वो कम ये बिजनेस में जो हेड होता है वो फैमिली में, उनको छोड़ के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे क्या है, को पार्टनर। तो इनकी जो लाइबिलिटी रहती है वो क्या रहती है, लिमिटेड रहती है। जितना उनका शेयर है उस बिजनेस में उतने तक ही उनकी लाइबिलिटी सीमित है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक सेक्रेसी। सेक्रेसी से क्या समझ में आता है, ये फैमिली मेंबर्स है, इनको कोई भी अपने बिजनेस की डिटेल को पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिजनेस में जो सेक्रेसी रहती है वो मेंटेन रहती है, बनी रहती है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ भी जो सेक्रेसी रहती है वो अच्छी रहती है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि फैमिली में डेथ होती है, बर्थ भी होता है, तो यहाँ बिजनेस में किसी के डेथ होने पे बिजनेस रुकेगा नहीं, बर्थ होता जाएगा और बिजनेस क्या करता रहेगा, आगे चलता रहेगा। तो ये बिजनेस कैसा है, स्टेबल है। किसी को एक के जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न की तरह नहीं है कि हाँ सोल ट्रेडर है तो वहाँ तो अकेला इंसान था, वो अगर उसकी डेथ हो गई तो बिजनेस तो वहीं बंद हो गया, बट यहाँ वैसा नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, बिजनेस क्या रहेगा, कंटिन्यूस रन होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सॉरी, अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में सबसे पहला टॉपिक है हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज से क्या समझ में आ रहा है, ये फैमिली है, ये फैमिली मेंबर्स जो भी रिसोर्सेज लाएंगे, खुद की सेविंग्स या जो भी है उनके पास कलेक्ट किया रहेगा, वही अमाउंट से वो क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज क्या रहेगी, कम रहेगी। सॉरी, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल मतलब यहाँ जो डिसीजन लेना है, जो राइट्स है, वो मोस्टली किसके पास है, कर्ता के पास है। कर्ता ही डिसाइड करता है, वो जो कंपनी, जो फैमिली का हेड है मेन दादाजी, तो जो भी हो के हेड, तो वो क्या करेंगे, जो डिसीजन लेना है वही लेके, चाहे फैमिली में मतलब को पार्टनर्स जो होते हैं मतलब मेंबर्स, उनमें से कोई कितना भी पढ़ा हो, किसके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, किसके पास कितनी भी नॉलेज हो, वो मैटर नहीं करती है। मैटर क्या करेगा कि सारा डिसीजन मुझे लेना है, मैं करता हूँ, मैं लूँगा।
तो मतलब यहाँ जो मैनेजमेंट स्किल रहेगी वो क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी, क्योंकि वो किसी की हेल्प नहीं लेते, उनको खुद से लेना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, राइट। जैसे मैंने बताया था यहाँ लाइबिलिटी, यहाँ हम बेनिफिट था कि को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, बट ये डिसएडवांटेज है कि जो लाइबिलिटी रहती है कर्ता की वो क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। मतलब अगर बिजनेस में सारे डिसीजन कौन ले रहे हैं, हमारे कर्ता साहब, तो अगर कर्ता डिसीजन ले रहा है तो जो भी अगर इन फ्यूचर लॉस होता है जो भी, तो यहाँ जो इनकी जो लाइबिलिटी रहती है वो अनलिमिटेड रहती है। इनको अपनी प्रॉपर्टी को, पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके भी क्या करना पड़ेगा, बिजनेस का लॉस चुकाना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लैक ऑफ मोटिवेशन। यहाँ क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट क्या होता है, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चाहे को पार्टनर्स, अभी तो को पार्टनर्स को बिजनेस में कुछ इन्वॉल्व ही नहीं होना है क्योंकि सारे डिसीजन तो करता ले रहा है। तो अगर डिसीजन करता ले रहा है तो जो भी प्रॉफिट होगा, अगर अच्छा प्रॉफिट भी होता है तो करता सारे को पार्टनर्स में शेयर हो रहा है। तो यहाँ क्या होता है कि को पार्टनर्स अब बिजनेस में ना बिजनेस की तरफ मोटिवेट ही नहीं है कि हाँ मैं बिजनेस को लेकर मेहनत करूँ कि जिसके वजह से इन फ्यूचर अगर प्रॉफिट हो तो मुझे ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। वो क्या सोचते हैं कि चाहे कितना भी बिजनेस, कितना भी प्रॉफिट हो, मुझे तो शेयर मिलेगी। तो वो वहाँ से क्या होता है कि बिजनेस की तरफ से जो मोटिवेशन है वो कम होने लग जाता है क्योंकि वो इंक्लूड ही नहीं है किसी डिसीजन में। तो यहाँ से क्या होता है, मोटिवेशन कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन। रेस्ट्रिक्टेड वर्ड से समझ में आता है रुकावट, रेस्ट्रिक्शन वहाँ रुकावट है क्या चीज़ में, एक्सपेंशन। ये जो बिजनेस है वहाँ क्या होएगा, जैसे यहाँ था लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कम है, अमाउंट कम है, तो यहाँ एक्सपेंशन भी ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ भी क्या रहता है, लोकल लेवल तक ही बिजनेस रहता है, तो यहाँ भी बिजनेस क्या होगा, एक्सपांड नहीं होगा। तो ये भी क्या है, डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा अनलिमिटेड को पार्टनर्स। ये मतलब लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, कोई लिमिट ही नहीं है। जितने लोग बर्थ होते जाएंगे फैमिली में वो सारे मेंबर्स बनते जाएंगे। तो अगर समझ लो पहले 10 मेंबर थे तो जो प्रॉफिट होता था 10 को डिवाइड होता था, दो जन का और बर्थ हो गया 12 को डिवाइड होएगा, फिर अगर हो गया तो सेम यहाँ बस नॉर्मल ये क्या चल रहा है कि जो भी लाइबिलिटी होगी, मतलब सॉरी जितने को पासेस बढ़ते जाएंगे हमारा प्रॉफिट उतनों में डिवाइड होता जाएगा, तो प्रॉफिट हमें कम मिलेगा ना। तो ये क्या हो गया, एक बड़ा डिसएडवांटेज हो गया किसका, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। ओके, तो मुझे आशा करती हूँ कि आपको पूरे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए हो। तो अगर आपको पूरे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो और साथ में मेरी वीडियोस को आप शेयर करो आपके फ्रेंड्स को, फैमिली को, या आपको जिसको शेयर करना है आप करो। और आपको अगर कोई भी डाउट होता है या कोई नेक्स्ट टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।